Hi guys, welcome to another video. So guys, I have been in the IT industry for past 6 years. As an engineer, मैंने काफी कुछ सीखा है और काफी कुछ जाना है इस इंडस्ट्री के बारे में, और इसीलिए मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर आप अपने करियर में और अच्छा कर पाएंगे। देखिए, हमको ये तो पता ही है कि हमको मार्केट में जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज बहुत जरूरी हैं, साथ ही साथ ये जरूरी है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में आपको पता होगा, आप उस पर हैंड्स ऑन करो। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल्स हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो 5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज अगर आप अपने करियर पे इम्प्लीमेंट करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपने लाइफ में काफी अच्छा करोगे, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ कुछ चीजें हमको एज ए ह्यूमन बींग और एज ए इंजीनियर समझनी जरूरी है कि कैसे हम इस इंडस्ट्री में अपने आप को अडॉप्ट करें कि हम और आगे बढ़ सके। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि यू शुड नो योर वर्थ। तो यार, मैंने कहीं पढ़ा था, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, शायद आपने भी पढ़ा हो कि एक 20 रुपए की पानी की बोतल आती है, इस बोतल को अगर आप रोड साइड पे खरीदोगे तो शायद इसका प्राइस होगा 20 रुपए 15 रुपए। अगर इसी को आप एक मॉल में खरीदोगे तो शायद इसका प्राइस होगा 40 से 50 रुपए। और इसी सेम बोतल को, सेम कंपनी की सेम बोतल को, सेम क्वांटिटी अगर आप इसको किसी एयरपोर्ट पे लोगे या फिर किसी 5-star होटल में लोगे तो शायद उसका प्राइस 100 रुपए भी होगा। ऐसा नहीं है कि जो पानी आप रोड के किनारे पी रहे हो या फिर जो पानी आप एयरपोर्ट पे पी रहे हो उसमें जमीन आसमान का अंतर है, और कोई और अलग कंपनी बना रही है या फिर कुछ अलग ही इसमें मिलाया हुआ है। सेम चीज है, सेम प्रोडक्ट है, बट वही सेम चीज आपको रोड के किनारे 20 रुपए की मिलती है और एयरपोर्ट पे 100 रुपए की मिलती है। अगर यही सेम चीज अगर आईटी इंडस्ट्री में भी अप्लाई करो तो कहीं ना कहीं ये चीज सही बैठती है। हो सकता है आपकी जो नॉलेज हो और जो आपका माइंडसेट हो, जो आपका काम को लेकर पैशन हो, वो काफी अच्छा हो और उसकी काफी वर्थ हो, लेकिन आप किसी ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो जो कंपनी एम्प्लॉयज को लेकर उतनी फ्रेंडली नहीं है, चाहे एम्प्लॉयज को उतनी अच्छी सैलरी नहीं देती है, उतने अच्छे बोनस या हाइक नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं आफ्टर सम टाइम आपको अच्छा नहीं लगेगा यार, यू विल फील बी डीमोटिवेटेड। तो यार, यू शुड नो योर वर्थ। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी नॉलेज है, आप पैशनेट हो और आप में बहुत सारी और भी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, आप नई चीजें ट्राई कर रहे हैं बट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपको ऐसी सैलरी नहीं मिल रही है, तो यार मत बैठो शांत, स्विच करो, लुक आउट फॉर द कंपनीज, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, सर्विस बेस्ड हो, प्रोडक्ट बेस्ड हो, स्टार्टअप हो, लेकिन देखो कहां पे आपके गोल्स और कंपनी के गोल्स मिलते हैं, अलाइन करते हैं। ऐसी कंपनी देखो जहां पे आपको लगता है कि अगर आप जाओगे, जहां पे आपने सुना है मतलब अपने पीयर्स से, कलीग से, कि वहां पे आपके काम की वैल्यू है, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो यार यू शुड नो योर वर्थ और उसके हिसाब से आप अपने करियर को आगे लेकर जाइए। सेकेंड पॉइंट है, नेवर डाउट योर सेल्फ। तो यार होता क्या है ना कि जब हम एज ए फ्रेशर शुरू करते हैं, अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट मिल गई तो ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो और आपको जॉब नहीं मिली है तो हमको लगता है कि हम अच्छे नहीं है, हम अपने आप पे डाउट करते हैं। इसके साथ साथ अगर हमको जॉब मिल भी गई है और जब हमको हमारा पहला या दूसरा स्विच करना है तो भी हमें लगता है यार कि नहीं यार हमसे नहीं होगा, और आप अपने आप पे डाउट करते हो। और अगर आपने अप्लाई किया तो इंटरव्यूज दिए, आपका नहीं हुआ, तो ये जो आपका डाउट है ना, ये आपको खाते चला जाता है और आप बहुत ही नेगेटिव हो जाते हो। तो यार प्लीज ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर आप पैशनेट हो, मन से काम कर रहे हो, आपको नॉलेज है, नई चीजों को सीख रहे हो, तो यार आज नहीं तो कल आपका दिन आएगा। कई बार मेरे साथ ऐसा खुद हुआ है कि मैं पूरा प्रिपरेशन करता हूँ, जाता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ और मेरा नहीं होता है, और कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि यार टाइम नहीं है, प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, बट चलो ठीक है यार इंटरव्यू दे देता हूँ, और मेरा हो जाता है वहां से, लिटरली मुझे कॉल आता है और मैं नेक्स्ट राउंड में चला जाता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट आई थिंक टाइमिंग, अगर आप कोशिश कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, जब आपका दिन आएगा, समय आएगा, आपकी टाइमिंग सही होगी तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और आईटी इंडस्ट्री इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है कि हर तरीके के काम की यहाँ जरूरत है, चाहे आप एनालिस्ट हो, मैनेजर हो, एचआर हो, टेस्टिंग में हो, डेवलपमेंट में हो, या कस्टमर टीम में हो, कुछ भी हो, हर तरीके की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। यू जस्ट नीड द राइट टाइम, अगर आप सही रास्ते पे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जस्ट बिलीव योरसेल्फ और परेशान मत हो यार। ये सबके साथ होता है कि एज ए फ्रेशर जल्दी जॉब नहीं मिलती है, या फिर जब आप स्विच करने का ट्राई करते हो तो यार 2-3-4-5-10 इंटरव्यूज निकल जाते हैं और स्विच नहीं कर पाते हो, तो यार ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। प्लीज बिलीव योर सेल्फ और अपने रास्ते पर चलते रहिए, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तीसरा पॉइंट है वो ये है कि कम्युनिकेशन इज द की। आई गेस ये आप सबको पता ही होगा बट फिर भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ
पीआर कम्युनिकेशन बहुत ही मेजर स्किल है, ठीक है। अगर आपको ऊपर जाना है करियर लेडर में तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यार जब आप खुद काम कर रहे हो तो ठीक है, आपने काम किया, जो भी आपने काम किया अपने मैनेजर को या फिर अपनी टीम को कन्वे कर दिया। बट जब आप लीड बनते हो, मैनेजर बनते हो, या फिर आपके एस्पिरेशन है कि आप किसी कंपनी को लीड करो या फिर किसी कंपनी को फॉर्म करो, एंटरप्रेन्योर बनो, तो यार उन सब चीजों के लिए ना कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो भी बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, अपनी बात रख पाओ और हिचकिचाओ नहीं। हाँ, अगर आप कोशिश करोगे, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो धीरे धीरे जो आपकी इंग्लिश है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। यू गाइज वॉन्ट बिलीव बट क्लास 8 तक मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में था और इंग्लिश में बहुत ही वीक था। मतलब लिखना पढ़ना आता था बट यार बोलने में तो यार मतलब एकदम फटती थी यार, मतलब बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। बट उसके बाद मैंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन किया और 9th 10th 11th 12th मैंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से किया है, तो वहां पे मैंने थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मेरी पढ़ाई हुई है चेन्नई में, तो मैं हूँ मतलब बिहार से, पढ़ाई की है यूपी में और उसके बाद इंजीनियरिंग करने आ गया मैं चेन्नई में। और चेन्नई में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और तमिल नहीं आती है तो सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, चाहे आप क्लास में हो, चाहे दोस्तों के बीच में हो, चाहे आप मार्केट में हो। तो यार ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मुझे हमेशा से आती थी और अभी भी सीख रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो यार। जस्ट स्टार्ट राइटिंग, मतलब लिंक्डइन पे लिखो, कोरा पे लिखो। ग्रामर की अगर आपको चिंता है तो बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे ग्रामरली है, उसका यूज करो। यूज करते करते ना आपकी ग्रामर अपने आप इंप्रूव होने लगेगी। जब आप मिस्टेक करोगे ग्रामरली आपको बताएगा कि ये मिस्टेक्स हैं, तो आप अपने आप इंप्रूव करोगे। इसके साथ साथ यार इंग्लिश सीरीज देखो, इंग्लिश गाने सुनो, इंग्लिश मूवीज देखो और अपने क्लाइंट से, अपने कलीग से या फिर अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बात करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूरी इंग्लिश में बात करो, बट बीच बीच में, जैसे होता ना एक आजकल चला है ट्रेंड इंग्लिश का, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो आप बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स यूज करो, इंग्लिश फ्रेज यूज करो, तो आप ये सब चीजों को इंप्लीमेंट करोगे तो अपने आप आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा और इंग्लिश में भी आप अच्छा कर लोगे। तो ठीक है, कॉन्फिडेंस लेकर आओ और अपने कम्युनिकेशन पर काम करो और धीरे धीरे इंग्लिश में भी काम करो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम्युनिकेशन में झलकेगा और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन पहले आपको ये सोचना है, आपको ये समझना है कि आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। एक बार आपने वो कर लिया तो आपकी जो इंग्लिश वाली प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, धीरे धीरे आप इंग्लिश पे भी काबू पा लोगे। तो यार कम्युनिकेशन पे प्लीज काम करो। और कई बार ऐसा हुआ यार, मैंने खुद भी देखा है कि बहुत से मेरे कॉलेज में दोस्त थे या मेरे पहले कंपनी में कलीग्स थे जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही नॉलेजेबल है, लेकिन यार कम्युनिकेशन की वजह से वो इंटरव्यू नहीं निकाल पाते। कम्युनिकेशन की वजह से वो मतलब इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। देखो यार, हमको अपने आप को मार्केट में जाके बेचना है, इंटरव्यू में हमको यही करना है लिटरली कि जो भी हमारे स्किल्स हैं हमको मार्केट में जाके उस इंटरव्यू के थ्रू हमको बेचना है। अगर आप अपने स्किल्स को ही ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, तो यार आपको कोई कैसे हायर करेगा। तो कम्युनिकेशन पे प्लीज काम करिए, इसको हल्के में मत लीजिए। और अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो बहुत बार ऐसा होगा कि इंटरव्यू अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी है, कम्युनिकेशन आपको बचा लेगा। तो यार वर्क ऑन कम्युनिकेशन। तो ये हो गए मेरे 3 पॉइंट। चौथा मेरा पॉइंट है मेक कनेक्शंस। तो यार हमको लगता है यार कि हम बस अपने शेल में रहेंगे, अपना काम करेंगे, अपने टीम में रहेंगे एंड दैट्स इट, और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। बट यार आज के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो। आप जब भी कहीं पर जाएं, किसी टीम में काम करें या फिर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहां पे दो टीम्स काम करती है, तो यार ट्राई टू जेल विद देम। अगर आप कनेक्शंस बनाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार जाके ऐसे ही मतलब बात करना शुरू कर दो और ओवर फ्रेंडली हो जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार प्रोफेशनल कनेक्शंस। तो यार जो टूल्स है आज के टाइम में, जैसे लिंक्डइन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन पे आप जिन कंपनीज को लाइक करते हैं उनको फॉलो करिए, उन कंपनीज में जो लोग काम करते हैं उनसे कनेक्शन बनाइए। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं अपने टीम के साथ साथ जो और भी टीम है, चाहे डेवऑप्स की टीम हुई, टेस्टिंग की टीम हुई, एचआर की टीम हुई, उनसे भी कनेक्शन बनाइए, क्योंकि यार आपको नहीं पता कब कहां ये कनेक्शन काम आ जाए। अगर आपको रेफरल चाहिए तो ये कनेक्शन काम आएगा, अगर आप किसी काम में फंसे हुए आपको हेल्प चाहिए तो ये कनेक्शन काम आएगा, अगर आपको कुछ फीडबैक चाहिए, लेना हो चाहे फीडबैक देना हो, तो ये कनेक्शन काम आएगा। और भगवान ना करे बट यार अगर आप स्टार्टअप में हो तो आपको पता है आजकल कितने लेऑफ्स हो रहे हैं, तो अगर आप कभी मुसीबत में भी हो तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है आपके काम आएंगे। तो यार मेक श्योर कि आप इस चीज पर फोकस करिए और ये जो सोशल मीडिया का जमाना है इसको आप यूटिलाइज करिए और थोड़ी बॉन्डिंग बनाइए। यार कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो गया तो कम्युनिकेट करिए, कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो कनेक्शंस भी अच्छे होंगे। सो सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये सब इंटरलिंक्ड है, तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये जो भी मैं पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ ये सब इंटरलिंक्ड है, और अगर आप इन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप मतलब
करियर में अच्छा करेंगे। टेक्निकल स्किल्स के अलावा ये सब स्किल्स भी जरूरी हैं। तो अपने कनेक्शंस को स्ट्रांग बनाइए, लोगों से मिलिए, बात करिए, अपने काम को शेयर करिए। इसके साथ साथ जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि यार बी ए टीम प्लेयर। तो ठीक है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपने लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे अपने प्रोफेशनल कनेक्शन काफी अच्छे से बना लिए, आपको अपनी वर्थ भी पता है, आपको नॉलेज भी है, लेकिन आप टीम प्लेयर नहीं है, आप सेल्फिश है। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम ही मतलब अच्छे बन जाओ और जो भी आपको आपका मैनेजर बोले, लीड बोले, सब सुनो, सब में हाँ बोलो, ऐसा नहीं है। आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए। जब आप किसी टीम में काम कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आप उस टीम में घुल मिल जाओ और उस टीम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाओ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली सबको ट्रस्ट करो और सबकी बातों को मानो, क्योंकि यार देखो, हम सब एक टीम में काम कर रहे हैं, सब हम अच्छे बुरे हो सकते हैं, बट एट दी एंड वी ऑल आर एन एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी जॉब, उसकी सैलरी। और कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब जाने अनजाने कुछ गलती कर जाते हैं, तो यार मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली सबको फॉलो करो, अपने टीम को फॉलो करो, अपने मैनेजर को, अपने लीड की सारी बातें सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार बी ए टीम प्लेयर, घुल मिल जाओ और अपना जो प्रेजेंस है वो अपनी टीम को फील कराओ कि आप इस टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, और चीजों को शेयर करो, डाउट्स हो तो उनको शेयर करो, फीडबैक हो तो शेयर करो, और उनसे सीखो, उनसे समझो, उनसे जानो। ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी को भी यार, जो एक होता है ना कि मतलब बूट लिकिंग, वो वाला काम मत करो, ठीक है। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बी अ गुड टीम प्लेयर, एंड आई एम डैम श्योर यू विल डू गुड इन योर लाइफ। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे। आई एम प्रिटी श्योर कि यार आपको टेक्निकल स्किल्स का पता होगा और आप उस पर काम कर रहे होंगे, बट ये कुछ ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं जिस पे अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप और अपने करियर में अच्छा कर पाओगे। और इन सब चीजों को मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ और मुझे काफी सफलता मिली है इन सब चीजों को फॉलो करते हुए। तो मैं सोचा कि इस वीडियो को बना के आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, अपने जो भी आपके कॉलेज में दोस्त हैं या कलीग्स हैं उनके साथ शेयर करिए, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और मैं अपने चैनल पे ऐसे कंटेंट के साथ साथ मूवी रिव्यूज भी बनाता हूँ, तो अगर आपको वैसा कंटेंट भी पसंद है तो आप प्लीज मेरे चैनल को चेकआउट करिए और बताइए मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और लिंक्डइन पे, कोरा पे मैं काफी फ्रिक्वेंटली अपने आर्टिकल्स और आंसर्स लिखता हूँ, पोस्ट करता हूँ अपने एक्सपीरियंस को लेकर। तो लेट्स कनेक्ट ओवर देयर, लेट्स हेल्प ईच अदर, और आई थिंक दैट्स हाउ वी ग्रो। थोड़ा आप हेल्प करिए, थोड़ा मैं हेल्प करता हूँ, और दैट्स हाउ वी ग्रो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।